guys, assalamu alaikum, namaste, sasrikaal. My name is Ali and you are watching your YouTube channel Jack Ali TV. So guys, इस वक्त मैं टैक्सी में मौजूद हूँ और जा रहा हूँ सीएसटी स्टेशन और वहाँ से हमारी ट्रेन है टोरंटो और हम जा रहे हैं कलकत्ता एंड लेजेंड शूट पर. तो ये वीटी का और भाई कला का जो ब्रिज है उसके ऊपर हूँ, जे जे ब्रिज. और हमारे साथ हमारे ड्राइवर हैं काली पीली टैक्सी वाले. हाय अंकल. और भाई साहब, मेरे हाथ में थोड़ा लग गया था कल लोकल ट्रेन से 3-4 दिन पहले. तो बस दुआ है, दुआ कीजिए सही सलामत हम लोग कलकत्ता पहुँच जाए, क्योंकि मेरी जर्नी की पहली इतनी बड़ी ट्रैवलिंग है. भाई बहुत बताने वाला है, फटाफट आपसे मिलते हैं सीएसटी स्टेशन. प्लेटफॉर्म 18 पर और पीछे ट्रेन और बस टाइम हो गया, निकलने वाली है 5:15 को है. तो 13 हो गए, 1 मिनट में निकलेगी. ओके गाइस, फिर ट्रेन में बैठते हैं, बातचीत करते हैं. एक ट्रेन यहाँ से ज़्यादा रुकेगी नहीं, सीधा सुपर फास्ट है, अब बाकी रहेगी. ओके गाइस, तो ये आया है इवनिंग स्नैक्स. बटर हो गया, वेफर हो गई, समोसा हो गया, मसाला टी का पैकेट हो गया एंड शुगर हो गई. ओके गाइस, नाश्ता वास्ता करके हम लोग छुट्टी हो गए हैं. टाइम हो रहा है और ये ट्रेन है ना छत्रपति शिवाजी से लेकर, मतलब सीएसटी स्टेशन से लेकर हावड़ा ब्रिज तक टोटल स्टेशन ये 7 कवर करती है और 27 आवर्स पहुँचाती है, मतलब 27 घंटे ये ट्रेन पहुँचाती है. तो बहुत बड़ी जर्नी है, क्या बताऊँ, कह नहीं सकता. बस इतना है सही सलामत पहुँच जाए और सफ़र कर जाए. ठीक है, इस कैंटीन में गया तो उन्होंने ना बोल दिया कि सर ऐसा तो अलाउड नहीं है, नहीं करते, तो मतलब कोई बात नहीं. सो गाइस, यही मेरा सफ़र रहेगा. ये कसारा में अभी आप सोच रहे हो कि कसारा क्यों रुक गई है, आपने तो ना बोला था. तो मैं बता दूँ आपको कि इसके बाद जो है ना, जो ढलान चढ़ाई है ना, तो वहाँ पर 2 इंजन लगते हैं. तो यहाँ पर कोई भी ट्रेन, कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन होगी ना XYZ, तो यहाँ कसारा के रुकेगी और यहाँ पर उसको 2 या 1 इंजन लगेगा. 1 इंजन तो लगा रहता ऑलरेडी, तो आगे या पीछे ऐसे 2 इंजन लगते हैं खींचने के लिए, क्योंकि ये पूरा हाइट पर है कसारा के बाद जो भी है ना पहाड़ी इलाका है, तो पूरा हाइट पर है ना. तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जब फिर आए इंजन लग जाए और जब ट्रेन चलेगी हम लोग की हाइट पर, तो वो पहाड़ी और वो जो है वो मैं इंशाल्लाह कवर करने वाला हूँ.
कसारा स्टेशन। और आगे भी इंजन लगी है, ट्रेन निकली और हम भी बस चढ़े। चाय चाय गर्मा गर्म चाय। तो इस प्लेट पर हमें खाना दिया गया था एज ए पैकेट, ये ब्लैंकेट दी गई है। ब्लैंकेट बिछा लिया मैंने और ये टॉवल है, इसे साइड में रखूंगा। ये भी टूट गया है, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या ट्रेन आ रही है। तो इस तरह बिछा लिया है, अभी ओढ़ने का और यार लेटने का सर रखने का। गाइस अभी 7:50 हो रहे हैं, तो अभी रायपुर आने वाला है 8:22 को, थोड़ा बहुत टाइम है। तो गाइस यहाँ का सुबह का नज़ारा ऐसा दिखेगा नहीं, पास दिखा रहा हूँ आपको। नाश्ता करते हैं क्योंकि 8 बज गए हैं, मतलब 8 बजे नहीं वाले हैं, तो नाश्ता करते हैं। गाइस गाइस ऑन टाइम 8:22 को रायपुर जंक्शन हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़। और तो कुछ खास मतलब कैसा है यार, बोलूँगा कुछ खास नहीं, ये सब कुछ है नहीं, बट अच्छा स्टेशन है रायपुर। ये कौन सा प्लेटफॉर्म अंकल, ये कौन सा प्लेटफॉर्म अंकल? 5 नंबर प्लेटफॉर्म है रायपुर का, और यह हमारी ट्रेन रुकी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। अब ये तीसरा स्टेशन ने कवर किया है, महाराष्ट्र 2 स्टेशन ने कवर किए थे, स्टॉप हुई थी। तो मैंने नोटिस किया कि कुछ स्टेशन पे रुकी है तो वो क्रॉसिंग के लिए रुकी थी, और कुछ नहीं, ना पैसे से कोई चढ़ा था उसमें, ना उसमें कोई पैसे से चढ़ा था ना उतरा था, खाली क्रॉसिंग के लिए ट्रेन स्टॉप हुई थी। काफ़ी जैसे चल रही थी कहना हॉस्पिटल है। मैं घुमा नहीं रायपुर सिटी, पर नाम बहुत सुना रायपुर के बारे में कि रायपुर बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल सिटी है। तो देखते हैं यार, तो अभी मुझे ना कुछ लग नहीं रहा स्टेशन को देखकर, बट सिटी माशाल्लाह कितनी अच्छी है, तो घूमने के बारे में मालूम पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ उतरना नहीं है, हमें जाना है हावड़ा लग कलकत्ता। ओके गाइस, तो वीडियो तो बनाने का बहुत दिल कर रहा है और वीडियो बनाएंगे। पहली ट्रेन निकल रही है स्टेशन से रायपुर जंक्शन, टोरंटो एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हवा है, आई लव यू मेरी जान। गाइस बिलासपुर जंक्शन आ गया है, और आधा घंटा लेट ही ट्रेन यार, राइट आधा घंटा
ट्रेन लेट है यहाँ पर, मतलब 9:55 को आना चाहिए बट 10:30 को आया, मतलब आधा घंटा प्लस कुछ डिले है ट्रेन यहाँ से बिलासपुर स्टेशन के लिए। और ये बिलासपुर स्टेशन साउथ बिहार की पटना राजेंद्र नगर। ये बंदा हमें चाय नाश्ता दे रहा है अंदर के अंदर भाई सब। और अभी बिलासपुर पहुंच गए, चाय पियेंगे यहाँ पर आराम से हम लोग बिलासपुर स्टेशन पर। खाना बोलिए, खाना कैसे देंगे का खाना कितने का है? 60 रुपये का है। और ये अंडा बिरयानी है, बहुत ही टेस्टी। थैंक यू अंकल। खाना मिल रहा है इधर वेज बिरयानी 60 रुपये में, अच्छी बात है। एक ही स्टेशन बाकी है, वो है झारखंड का टाटा जंक्शन, टाटा नगर, उसके बाद डायरेक्ट हावड़ा पर रुकेंगे लेकिन 8 बजे, और डिले है तो समझ लो कि 9:30 बज सकते हैं, और कुछ नहीं। ये है मिस्टर अली ब्लड प्रेशर हमारा कंपनी का, जी टीवी का, जी स्टूडियो, जी स्टूडियो एंड ब्रांड मूवी वेब सीरीज, सॉरी अभिनव देव सर एज अ डायरेक्टर। गाइस फाइनली ट्रेन निकल रही है बिलासपुर स्टेशन से, यहाँ से छत्तीसगढ़ बाबाए एंड झारखंड 4:05 तक इन होंगे हम लोग। और ये ट्रेन 1 आवर 1 घंटा लेट है, 4:10 को आना चाहिए था लेकिन 5:15 हुआ, मतलब 1 घंटा प्लस डिले है ट्रेन। और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर है टाटा पर, टाटा नगर जंक्शन, टाटा नाम से रखा गया तो ये भी मालूम लेकिन टाटा नगर जंक्शन, मुझे लगता है कि टाटा का प्लांट व्लांट रुका था। डिले यार फास्ट है, ऐसा नहीं है क्योंकि डिले है 1 घंटा 1 आवर। देखते अपने के अपने टाइम को कंट्रोल करेगी, उसे टाइम पर छोड़ के और डिले करेगी, कुछ आइडिया नहीं रोकेगा इस। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कि अभी तक ट्रेन में नाश्ता तो दिया नहीं है क्योंकि जो टाटा ये लास्ट स्टेशन था उसके बाद हावड़ा स्टेशन आएगा, मतलब यहाँ से एग्जिट करेगी ना ट्रेन तुरंत, तो तुरंत 10 मिनट के बाद नाश्ता देंगे। उन्होंने बोला था कि सर यहाँ से यहाँ पे जो टाटा की पब्लिक उतर जाएगी ना उसके बाद ही नाश्ता करो, अच्छी बात है, थैंक्स आपने हमें ये बता दिया। सो गाइस ट्रेन में नाश्ता मिलेगा तो मिलेगा, तब तक के यहाँ से कुछ चाय नाश्ता करते हैं। और मैं रमेश का वेट कर रहा हूँ, हमारे जो रमेश भाई है उनका वेट कर रहा हूँ, फिर उनका फ़ोन आ गया चाय नाश्ता करते दो पिलाते हुए अली भाई, हमारा जो पिला अली भाई के नाम पे चाय, अली भाई के नाम पे चाय, ये कॉफ़ी है। हाँ भाई ये 5:20 की कॉफ़ी, 15 मिनट रुकी ट्रेन, इसके बाद निकलेगी आराम से। और ये हम है, ये हमारी ट्रेन है और ये हमारी पार्किंग हो रही है।
फाइनली टाटा नगर से ट्रेन हो रही एग्जिट टाटा नगर बाबा। सूरज ढलता हुआ रुकी है अब चलिए। यहाँ से फाइनली ट्रेन निकल गई है और वन आवर्स कुछ लेट है ट्रेन, देखते हावड़ा कितनी बजे तक पहुँचा रही है या तो फिर अपने टाइम को मैच करेगी। कोई भी डलता है क्या बात है, थोड़ा आराम करते गाइस क्योंकि अभी नाश्ते भी आएंगे, नाश्ते भी करेंगे क्योंकि जो उतरने वाले उतर गए, अभी नाश्ता देगा 10 मिनट बाद। इसमें समोसा है, ये स्वीट है, ये मिल्क शुगर वेफर टू वेफर फैसला करता है हम से उसकी बात करेंगे। लोकल ट्रेनें भी चलती हैं, लोकल स्टेशन भी है जैसे मुंबई में बोरीवली कानीवली मलाड कोरेगांव सांता क्रूज, जैसे छोटे मोटे स्टेशन भी इधर हैं, लोकल ट्रेनें भी चलती हैं। तो मैं आपको देख कर बस दिखाता हूँ हाँ लोकल स्टेशन, यहाँ के जो लोकल स्टेशन है मैं दिखाता हूँ। और मेरे बाजू में कोई ट्रेन भी जा रही है, हावड़ा और जलंधर है, मैं देखा था उसको, 9:20 बता रहा है ये ट्रेन वहाँ तक पहुँच जाएगी, मतलब 1 घंटा प्लस 10 मिनट प्लस डिले है ट्रेन। कंप्लेंट आती है अली भाई वीडियो थोड़ी छोटा कर दिया करो, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हो, और बता दो कि मैंने काफ़ी वक्त से वीडियो डाली नहीं है। आई थिंक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आई थिंक मैं कलकत्ता से निकल भी गया हूँ, आई स्वेयर मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो ना, तो समझ लो कि मैं कलकत्ता से आउट हो गया हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ कलकत्ता टू बॉम्बे के लिए ब्लॉग के लिए, और 4-5 महीने से वीडियो डाली नहीं है। आई सुबह ये गाड़ी ना 1.5 घंटा प्लस डिले है, डिले मुझे लगा 1 आवर्स डिले होगी, ये अपने को कवर कर लेगी। ये तो भाई मतलब 9:40 हो रहे यार, तब भी ये गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची, अभी चल ही रही है। 8:05 का क्या 10 का टाइम था इसका टाइमिंग का हावड़ा का, तो उतार देगी हावड़ा जंक्शन पर, बट भाई ये तो 9:40 होने वाले हैं लेकिन अभी भी ये गाड़ी नहीं पहुंची, इतनी डिले ट्रेन है ये 1.5 घंटा प्लस डिले ग्रांड तो बट नॉट बैड यार होता है, बट कुछ ज़्यादा हो गया ये बात बहुत ज़्यादा, और अभी पहुँचे नहीं है, बार बार रुक रही है। 2 घंटा जाएंगे मेरे ख्याल से इसको आराम से,
लोकल ट्रेन। गाइस फाइनली पहुंच गए हावड़ा। गाड़ी आ गई है। बहुत ज्यादा पब्लिक है, बहुत ज्यादा पब्लिक है। फाइनली उतर गए हैं हावड़ा स्टेशन पर और ये 17 नंबर प्लेटफॉर्म है कि हम लोग उतरे हैं। लगेज लूलू के पहली बार आया हूँ, कर सकता इतना आइडिया नहीं है पर अपने स्टाफ को ढूंढता हूँ किधर है वो। कुछ लोग आगे भी हैं। फाइनली हावड़ा पहुंच गए हैं और 11:19 हो रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे स्टेशन है, एग्जिट कर लिया हम लोगों ने। सो गाइस अभी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ओके गाइस, कुछ गाड़ी का इश्यूज था वो हो गया क्लियर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।